नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि माता रानी की कृपा से और इनके आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन काल में बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में खुश रहें और ढेर सारे तरक्की और ढेर सारी उन्नति करें। जी दोस्तों, दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आने की दिनांक 4, 5 और 6 नवंबर 2022 से दोस्तों यह एक गलती दोबारा भूल से भी मत करना, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क के समान हो जाएगी। जी दोस्तों, तो समय रहते आप सभी लोग हो जाइए सावधान, कहीं देर ना हो जाए। जी दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आए दोस्तों, आखिर जान लेते हैं कि आने वाले अगले इन 3 दिनों के अंदर आप लोगों को कौन सी या एक गलतियाँ नहीं करनी है जिसके कारण आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क के समान हो जाए। और साथ दोस्तों ऐसे में आप लोगों को क्या क्या सावधानियाँ भी रखनी पड़ेगी और कौन से चुनौतियों का भी सामना आप लोगों को इन 3 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। दोस्तों साथ या 3 दिनों के समय अंतराल में आप लोगों के जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ भी प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों साथ ही बात करेंगे 3 दिनों में आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेंगे, आपकी नौकरी कैसे रहेंगी, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन कैसे रहेंगे, आपके विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा और बेरोजगारों के लिए भी समय कैसा रहेगा। दोस्तों सारी के सारी जानकारियाँ आप लोगों को हम पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक से बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप इस उपाय को अगले इन 3 दिनों के अंदर कर लेंगे तो दोस्तों मैं किन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ चल रही है, आप लोग जिन भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं या फिर जिन जिन तकलीफ़ों का और दुखों का आप लोग सामना कर रहे हैं, दोस्तों उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहेगा। दोस्तों आप लोग इस उपाय को जरूर ही कीजिएगा। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले भगवान शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहेगा और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। तो आज दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। तो दोस्तों जरा आप लोग इस ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो या फिर कोई भी समस्या हो, आप उस पर चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो और ज़ोर से तो बिल्कुल भी मत बोलो। दोस्तों आप उस जगह मन को शांत रखो और विचार करो, फिर निर्णय लो। दोस्तों आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलती है बल्कि चुप्पी से ही मिलती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इसलिए ज़िंदगी में दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। जी दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। तो वह दोस्तों बात करते हैं आने वाले इन 3 दिनों के महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आप लोगों के लिए मिला जुला वाला समय साबित होने वाला है। दोस्तों यह समय आपका लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होगा और नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी यह समय बनेंगे और दोस्तों यह समय आमोद प्रामोद आदि के साधनों में वृद्धि भी होंगी, लेकिन सेहत की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस दौरान मौसमी या फिर पुरानी बीमारी को भरने के कारण आपको शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी
मिल सकता है। दोस्त, यह समय के मध्य में घरेलू विवाद उभरने और माता पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन आपका थोड़ा परेशान भी रहेंगे और यह समय कार्य क्षेत्र में भी कामकाज का दबाव भी आपके लिए बना रहेंगे। दोस्तों, हालांकि इन सभी परिस्थितियों के बीच आपके संगी साथी आपके साथ हर समय मदद के लिए बने रहेंगे और इष्ट मित्रों की मदद से यह समय आप काफ़ी हद तक अपनी परेशानियों को कम करने में कामयाबी होंगे। और दोस्तों, यह समय के उत्तरार्ध में एक बार फिर आपके जीवन की गाड़ी हवा से बात करते हुए नजर आएंगी। इस दौरान आपको सभी अटके हुए काम बनते नजर आएंगे और समाज में आपके मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेंगी। और दोस्तों, जो लोग विदेश में करियर बनाने की सोच रहे थे, दोस्तों उनकी राह में आने वाली सभी बधाइयां समय दूर होंगी। और दोस्तों, प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की मजबूरी और भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके रिश्ते में ऐसे दरार भी आ सकती है। और जीवन के उतार चढ़ाव में आपका जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह साथ भी बना रहेगा। और दोस्तों, ऐसे में आप लोग कार्य क्षेत्र में किसी भी अजनबी पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना, वरना आपकी यही गलती आपको ले डूबेंगी और आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। और दोस्तों, ऐसे में आपको व्यापार में अपने माता पिता से सलाह की आवश्यकता भी होंगे और कोई भी महत्वपूर्ण काम ऐसे में आपके लिए आ सकता है जिसे आपको समय पर पूरा करना होगा। और दोस्तों, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जमकर ऐसे में मेहनत करेंगे तभी वह सफलता हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों, आपके प्रभाव में वृद्धि ऐसे होने से आपका मन ऐसे में काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे और आपका कोई भी परिजन या समय आपके लिए शुभ समाचार भी लेकर आ सकते हैं। दोस्त, या समय आपको अपने किसी भी मित्र से, बचपन के मित्र से मुलाकात करने का बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल सकता है जिनकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे और आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने का पूरा मौका भी इसमें अवश्य ही मिलेगा। और यह समय आप कुछ संवेदनशील मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो उसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं। और यह समय आपको अपने पद प्रतिष्ठा बढ़ने से अपने अंदर अहंकार की भावनाओं को बिल्कुल पैदा नहीं होने देना है, वरना आपकी यही अहंकार आपको ले डूबेगी और आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी दोस्तों, और यह समय आपका कोई मित्र आपके लिए किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में आप लोग वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी बरते, नहीं तो आप लोगों को इसमें किसी बड़ी घटना का शिकार होना पड़ सकता है। जी दोस्तों, तो इसमें आपको जरा सावधानी पूर्वक से ही चलाने की आवश्यकताएं होंगी। और दोस्तों, इसमें दांतों से संबंधित कोई भी परेशानी देखी जा सकती है, उपचार संबंधी कोई भी देरी करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और साथ ही आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर इसमें अनदेखा बिल्कुल ही ना करें, अन्यथा आप लोगों को कुछ बड़ी समस्याओं का सामना इसमें करना पड़ सकता है। जी दोस्तों, और दोस्तों, घर परिवार के माहौल में अगर देखा जाए तो यह समय आपके घर परिवार में सुख शांति देखी जाएंगी और सभी सदस्य आपस में हंसी मजाक करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर यह समय घर का वातावरण अच्छा देखा जाएगा और सामाजिक गतिविधियों में आपका शामिल होने से आपको इसमें सम्मान भी दिलाएगा और यह समय थोड़ा सादा रहने की भी आवश्यकताएं आपको हैं। आपका कोई भी राज यह समय खोल भी सकता है, तो यह समय आपको जरा सतर्क और सावधान रहने की अनुमति है। जी दोस्तों, तो आज दोस्तों बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आने वाले इन तीन दिनों के अंदर आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहे। दोस्तों, आप लोग यह समय भगवान शनिदेव को काला उड़द अर्पित करें। दोस्तों, ऐसे करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसकी कुंडली में अगर कोई भी शनिदोष है तो यह भी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन काल में जो भी समस्याएं चल रही है, उन्हें जो भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, दोस्तों उन सभी से उन्हें मुक्ति भी मिलती है। जी दोस्तों, और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा उन पर बनी रहती है। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें, आपके ज़िंदगी के सारे बिगड़े अधूरे कार्य पूर्णता बन जाएंगे।